चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। हम ऑलरेडी 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या फीचर्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर। तो फीचर्स में भी हमने यही किया था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके बारे में हम एक बार फिर देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्रीफली देखेंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। जो आपका एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्या था, परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन का लैक था। मीन्स आपके पास इरीगेशन करने के लिए, क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई परमानेंट मीन्स नहीं था, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इरीगेशन के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में आ रही थी वो कौन सी थी, फाइनेंस की। देखो जो फार्मर्स थे, और फार्मर्स के पास इतना फाइनेंस नहीं हो सकता था कि वो अपने पहले सीड्स को परचेज करें, उसके बाद वो 6 मंथ या 3 मंथ अपनी सीड्स को बीजें, उसके बाद वो मार्केट में सेल करें। इसलिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती। जो फाइनेंस कहाँ से मिलता था उनको, महाजन से या ज़िम्मेदार लोगों से, मीन्स उन लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ उन पर चार्ज करते थे। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पर चार्ज किया जाता था। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स को एक्सप्लॉयट किया जाने लगा बाय द ज़िम्मेदार्स एंड महाजन्स। सेकंड प्रॉब्लम है फाइनेंस की। थर्ड क्या है, कन्वेंशन आउटलुक। जो फार्मर्स खुद थे उनकी भी आउटलुक कन्वेंशनल थी। मीन्स क्या, वो अपने आप को ग्रो ही नहीं करना चाहते थे। मीन्स वो अपने जो फार्मिंग थी उसको सिर्फ अपना कह सकते हैं सस्टेनेंस फार्मिंग में ही उलझे हुए थे, वो उसके बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो फार्मिंग को एज अ बिजनेस वेंचर में ही यूज़ करना चाहते थे, वो फार्मिंग को बिजनेस में लाना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स की ही बिजाई करते थे जो उनको उनकी नेसेसिटीज कंप्लीट करे, वो इसके बाद नहीं सोचते थे। ऐसे लिखा है, ही कंटिन्यूस टू कंसीडर फार्मिंग मोर एज अ मीन्स ऑफ सस्टेनेंस लेस एज अ बिजनेस वेंचर। मीन्स वो सिर्फ अपना खाने के लिए ही फार्मिंग करते थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास जो होल्डिंग्स थी, जो लैंड थी, वो स्मॉल थी, एंड स्कैटर्ड मीन्स वो दूर दूर थी, जगह जगह पे, मीन्स थोड़ी सी लैंड यहाँ पे, थोड़ी सी कहीं और पे, थोड़ी सी किसी और जगह पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सप्लोटेटिव आर्गेनिंग रिलेशनशिप। आर्गेनिंग रिलेशनशिप मीन्स, आर्गेनाइजेशन रेफर्स टू बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। मीन्स लैंडलॉर्ड्स हैं एंड जो टेनेंट्स हैं उसमें रिलेशन थे, जो ज़मीन के मालिक हैं एंड जो उन पर एंड जो वहाँ पे टेनेंट्स हैं। अब देखिए जहाँ पे क्या बोला गया, मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्व्स, रिलाय ऑन रेंटल इनकम, दे टेंड टू एक्सप्लॉयट द टेनेंट्स बाय द वे ऑफ हाई रेंट्स एंड रिलेटेड चार्जेस। तो यहाँ पे क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स इन पे हाई रेंट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से जैसे ये लैंडलॉर्ड है, अब रेंट जो भी लैंडलॉर्ड है, लैंड पे जो रेंट होगा वो यहाँ पे टेनेंट से ज़्यादा चार्ज किया था, जिसकी वजह से जो टेनेंट से जो एग्रीकल्चर था वो क्या हमारा एक्सप्लॉयट हो रहा है। सिक्स पॉइंट क्या है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। मीन्स क्या, जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें भी लैक था। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट्स एट द रिड्यूस्ड रेट। यहाँ पे जो उनकी क्रॉप्स थी वो लोकल मार्केट्स में ही सेल की जाती थी। मीन्स क्या, देखो यहाँ पे जो लोन फाइनेंस कहाँ से हमें मिल रहा है, जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है, महाजन से या ज़िम्मेदार से। जो भी महाजन्स हैं उनको फाइनेंस दे रहे हैं, तो फाइनेंस देने के बदले वो एक, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी उनकी आउटपुट थी वो खुद रखते थे। मीन्स क्या, जो अपने फाइनेंस का जो हाई रेट्स थे वो सारा कुछ कट करने के बाद ही जो फार्मर्स को कुछ बचता था। इससे क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयट हो रहा था इंडियन एग्रीकल्चर। दे आर ऑब्लाइज टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन्स एंड मैनी लैंडर्स इन रिटर्न टू द लोन्स दे रेज फ्रॉम दिस मिडलमैन। तो जो लोन्स फार्मर्स ने इन मनी लेंडर से लिए हुए थे, उन लोन्स की ही वो अपनी चुकाई कर पाते थे उन आउटपुट से। अब इस एक्सप्लॉयटेशन के बाद हम बात करते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में। एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स मीन्स कि एग्रीकल्चर को सही कैसे किया गया, उसको करेक्ट कैसे किया गया, उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए। यहाँ पे 3 तरह से उन्होंने डिवाइड किया, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या होता है, टेक्निकल रिफॉर्म्स मीन्स यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV मीन्स हाई वैरायटी सीड्स।
मीन्स क्या पहले जो सीड्स थे वो कौन से सीड्स यूज़ करते थे, जो उनके खुद के बनाए घर पे सीड्स होते थे उनको यूज़ करते थे, लेकिन 1965 के बाद, सिंस 1965 कौन से सीड्स को यूज़ करने लगे, HYV। तो इससे अब अगर सीड्स अच्छे होंगे तो उसके क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो पहले वाली खेती थी उसमें क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर का कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब क्या होंगे, होने स्टार्ट हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बींग इंक्रीजिंगली यूज टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स अब वहाँ पर यूज़ किए जाने तो वो क्या हमारी कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। क्लियर। देन यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, उनके पहले जो भी आपकी एग्रीकल्चर थी जो वहाँ पे कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किए जाते थे, लेकिन यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ने भी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीजेज एंड इंसेक्ट बाई यूजिंग द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। अब डिजीजेस से बचाने के लिए क्रॉप्स को इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाने लगा। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस मीन्स क्या कि जो भी आपके मैनेजमेंट फॉर्म्स जो फार्म्स थे वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए साइंटिफिक तरीके यूज़ करने, जैसे कि सॉयल की फर्टिलिटी चेक करना, सॉइल की फर्टिलिटी को चेक करना, उसके बाद रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मींस क्या है, एक क्रॉप को बनाने के बाद एक क्रॉप को बीजने के बाद उसके बाद सेकेंड रोटेशन में कौन सी क्रॉप्स आएगी उसके बारे में, मींस एक साइंटिफिक तरीके से खेती को करना, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कौन से सिलेक्शन होगी सीड्स की, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, उनकी क्वालिटी क्या है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल्स वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को देखा गया ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। उसके बाद क्या है, मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन में भी मैकेनाइज मीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज़ ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू इनेबल द स्मॉल फाइनेंस टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स। चीप क्रेडिट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्मॉल एंड मार्केटिंग फार्मर्स एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन में क्या है कि RRBs हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया था जो फार्मर्स को लोन दिया जा सके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल सकें एंड वो अपने जो फार्म्स हैं महाजन से जो वो बच सकें, ठीक है। तो RRBs को कलेक्ट किया, रीजनल रूरल बैंक्स को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था जो वो अपने जो भी आपका मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज़ को वो वहाँ से ले सकें। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब टेक्निकल फॉर्म्स में देखिए, हाई वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए गए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए गए, पेस्टिसाइड्स एंड साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग को करने लगे। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मीन्स मैकेनाइजेशन आई वहाँ पे जो मशीन्स को यूज़ किया गया या क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए RRB या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में फर्स्ट क्या है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। जैसे आपको बताया गया है कि फार्मर्स एंड गवर्नमेंट में इंटरमीडिएट्स थे, तो इंटरमीडिएट्स मींस वहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट्स थे उनको अबॉलिश किया गया। इंटरमीडिएट्स नोन एज जिम्मेदार्स, जो भी जिम्मेदार्स थे या महाजन्स थे, अब जिम्मेदार्स क्या करें, एक्सप्लॉयड कर रहे हैं फार्मर्स को, तो उनको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो गवर्नमेंट एंड फार्मर्स में कोई पर्सन ना हो, डायरेक्टली जो क्रॉप्स बीज रहे हैं उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद परचेज करे, ताकि जो फार्मर एक्सप्लॉयड ना हो। उसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब जो भी जिम्मेदार थे या जो भी लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, बहुत सारा रेंट क्या करते थे, चार्ज करते थे, तो वहाँ पर एक रेगुलेशन लाया गया। मीन्स वहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया कि 1/3 जितना भी आपका आउटपुट होगा, जो भी क्रॉप्स का आउटपुट होगा उसका 1/3 ही वो रेंट चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंट विल बी चार्ज ओनली 1/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ क्रॉप्स। क्लियर। देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स। मीन्स जो स्कैटर्ड आपकी होल्डिंग्स थी, स्कैटर्ड आपकी लैंड थी, उसको वन प्लेस पे एक जगह पे जो फार्मर्स के उनको लॉट कर दी गई। जैसे किसी की जगह, किसी के पास लैंड जहाँ पे है, किसी की जहाँ पे, तो उन सभी लैंड्स को एक साथ कर करके मीन्स एक फार्मर को एक जगह लैंड पर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद क्या है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग मीन्स सीलिंग ऑन होल्डिंग इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। मीन्स क्या, वहाँ पे एक मैक्सिमम साइज जो है
वहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ लैंड का वो भी फिक्स किया गया, मीन्स एक पर्सन के पास सिर्फ इतनी लैंड ही मैक्सिमम होगी, और जो भी सरप्लस लैंड वहाँ पे आती थी, मान लीजिए किसी पर्सन के पास उस मैक्सिमम साइज़ से ज़्यादा लैंड है, तो जो भी सर्व और जो बाकी बची जाती थी लैंड वो कहाँ किसको दी जाती थी, गवर्नमेंट, मीन्स वो गवर्नमेंट उस लैंड को अपने पास रख लेती थी, और जो भी वो सरप्लस लैंड थी वो किसको दी जाती थी, जो पुअर लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन कम है। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस कि इस तरह की फार्मिंग जिसमें आप सब लोग, सब जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होकर फार्मिंग करेंगे, जैसे कोई भी आपने सीड्स हो गए उनको परचेज करने जाना है, बाय करना है, उसके बाद जो आपकी आउटपुट है उसको सेल करना है, तो उसको बाज़ार में मंडी में जब बेचना जाना है तो एक साथ जाना है जहाँ, तो यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज़ इनकरेजिंग टू इन्हेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स। जो बार्गेनिंग पावर है स्मॉल होल्डर्स, ताँ जो अपनी जो ज़मीन है उसको, अपनी जो आउटपुट है उसको एक जगह इकट्ठा करें एंड उसके बाद उसको सेल करें, तो जिससे क्या होगी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उनकी। उसके बाद थर्ड क्या है आपके, जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म्स में क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। बार बार आपको बताया गया है कि पहले क्या था प्रॉब्लम्स में थी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या, इरीगेशन। अब एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, फिर इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया 1951 में। 1951 में जो इरीगेशन 17% थी, ठीक है, इंडिया में 17% ही लोग के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन था, लेकिन ये इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 45% नाउ। नाउ कितना है ये 45%, मीन्स 1951 में सिर्फ 17% लोगों के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन था, वो कितना हो गया 45%। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट के लिए प्रोविजंस बनाई गई, मीन्स क्रेडिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नाबार्ड हो गया, RRBs होगी, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड के आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया RRBs। RRBs क्या होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब रूरल बैंक्स को रूरल एरियाज को इन्हेंस करने के लिए, एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इन बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी के साथ कमर्शियल बैंक्स, जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए, मीन्स फार्मर्स को लोन्स देने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। अब रेगुलेटेड मार्केटिंग हैव बीन एस्टैब्लिश अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, विद द व्यू टू ऑफरिंग रेमुनरेटिव प्राइस ऑफ फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडलमैन। अब जो रेगुलेटेड मार्केटिंग मीन्स, वहाँ पे रेगुलेटेड मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। रेगुलेटेड मार्केटिंग क्या करती थी, जो भी आपका मीन्स जो फार्मर्स हैं वो एक्सप्लॉयर ना हो, दिस इज़ ड्यू टू ऑफरिंग रेमुनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स, मीन्स वहाँ पे रेमुनरेटिव प्राइस, जो भी आपका सही प्राइस है फार्मर्स को उसकी क्रॉप्स का, वो वहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट्स उनको प्रोवाइड करते थे, मीन्स को मीन्स जो फार्मर्स हैं उनको उनकी क्रॉप्स का कम प्राइस ना मिले, जितना उसका प्राइस है वो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ क्या करती थी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ इंश्योर दैट द फार्मर प्रोड्यूस आर ग्रेडेड एंड सोल्ड व्हेन द रेमुनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। जो भी आपकी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती थी, जो भी मार्केटिंग सोसाइटीज़ थी, ये फार्मर्स की हेल्प करती थी, कब उन्होंने सामान को, कब उन्होंने क्रॉप्स को सेल करना है, कब उनको परचेज़ करना है, मीन्स क्या है, जो आपके सीड्स हैं कब वो सस्ते होंगे, कब उनको परचेज़ करना है, या कोई भी आपके जो भी आपका क्रॉप्स है, जरूरी नहीं कि जब आपने उसको कट कर लिया उसके बाद ही ना आपने ऑन द स्पॉट उनको सेल करना है, तो मीन्स कितना टाइम आपने उसको स्टोर करना है और कितने टाइम बाद आपने उसको सेल करना है, वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज वहाँ पे हेल्प करती थी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ये प्राइस सपोर्ट पॉलिसी सेलेक्ट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट एश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेलेक्ट कर देती है, जैसे फार्मर्स के लिए आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है, MSP, मीन्स क्या है, जो भी आपका क्रॉप्स है उसके लिए एक मिनिमम प्राइस सेलेक्ट कर देती है बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आपका हो गया राइस का, मान लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर दिया 2100 पर क्विंटल, मीन्स क्या है 2100 रुपये पर क्विंटल ही जो आपका राइस है वो परचेज किया जाएगा बाय द ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री। अगर कोई पर्सन इस प्राइस से कम में परचेज कर रहा है तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इस रेट पे
बेच सकते हैं। मीन्स गवर्नमेंट का जो फिक्स प्राइस होगा वो क्या होगा, 2100 रुपये पर क्विंटल। अगर वो मार्केट में बेचना चाहते हैं तो मार्केट में बेच सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा मार्केट में प्राइस मिल रहा है तो वो वहाँ पे बेच सकते हैं, अगर कोई इससे कम देता है तो वहाँ पे मत बेचें, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास आएँ और गवर्नमेंट उनको उनकी जो क्रॉप्स हैं उनको परचेज करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, मीन्स वहाँ पर उनको एक श्योरिटी मिलती है कि हमारा जो क्रॉप्स हैं वो सिक्योर हैं या हम सिक्योर हैं इन द केस ऑफ अनसर्टनिटीज। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड लास्ट वीडियो के थोड़े से क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ इनका आंसर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है प्लीज़ इनका आंसर जरूर बताना। व्हाट आर द वेज गुड्स, अब वेज गुड्स कौन सी होती हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड। इंडियाज प्रोडक्टिविटी फॉर पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इन राइस, अब राइस में इंडिया की प्रोडक्टिविटी कितनी है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गे वेज गुड्स, इंडिया की प्रोडक्टिविटी कितनी है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, सेकेंड नेम क्या है इसका डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का। फोर्थ पॉइंट, मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, व्हाट इज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। Please write your answers in comment box. Thanks and have a nice day.